हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में, और आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं स्लीपिंग डॉग्स। तो गाइस यार, लास्ट एपिसोड में बिग स्माइल ली ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और भाई हम लोग जैसे तैसे बचकर वहां से निकले, लेकिन यार अब एक और तगड़ा सीन हो गया कि भाई उसने ना अंकल पो के ऊपर भी अटैक कर दिया है। तो भाई फटाफट मेरे को उस लोकेशन में पहुंचना है, क्योंकि अंकल पो के पास ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी इस टाइम, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि भाई उनके ही गैंग का बंदा कोई उन पर अटैक कर सकता है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो यार उनके पास ज़्यादा सिक्योरिटी होगी भी नहीं। तो यार मेरे को ना फटाफट वहाँ पर पहुँचना है। लेफ्ट साइड में आप देख भी सकते हो कि भाई टाइमर चल रहा है, अगर मैं इस टाइम के अंदर नहीं पहुँचा तो भाई वो लोग अंकल पो को मार देंगे। तो मेरे को कैसे भी करके वहाँ पहुँचना है और अंकल पो को बचाना है। तो गाइज़ यार मैं तो हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ, और वेट यार कोई कट सीन आया आई थिंक। ओ भाई साहब, ये तो आई थिंक K18 के बंदे लग रहे हैं। ओ भाई साहब, अभी इसने उसका भेजा उड़ा दिया भाई, क्योंकि उसने बताया नहीं कि अंकल पो किधर है, लेकिन वेट या डॉक्टर ने बता दिया। ओ भाई साहब, कितने सारे बंदे हैं भाई, इसे मेरे को कैसे भी करके मारना पड़ेगा। चल तेरी भैंस की टांग, गंदे इधर चल निकल। अब तो बेटे गया तू, चल बेटे ले तू हेडशॉट का, चल निकल। तू भी खा बेटे, पीछे वाले भी तू भी खा। अबे भाई साहब कितने बंदे हैं, मैं तो यार एंट्रेंस पर एक दो ही समझ रहा था, लेकिन वेट भाई बहुत सारे बंदे हैं भाई। और भाई यार K18 की तरह लग रहे हैं, पर मेरे को भाई ये लग रहा है कि बिग स्माइल ली का ही काम है, क्योंकि भाई वो चाहता है कि चेयरमैन वो बने, तो अंकल पो का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। वेट यार गाइस, मैं ये सोच रहा हूँ भाई एंट्रेंस पर इतने सारे बंदे हैं, तो भाई अंदर कितने सारे पहुँच चुके होंगे भाई अंकल पो को मारने के लिए। वेट भाई इसने नर्स को पड़ा, तेरी भैंस की निकल, बस मारेगा नर्स को, तू निकल बेटा, दे पीक देना। अबे चलना ले, आया मजा बेटे हेड पे खा के, और दिखा खोपड़ा तू ले। अबे तू भी निकल, आना उठना। अबे यार इन पे इतनी तगड़ी तगड़ी गन होती है भाई, मेरे पे पिस्टल है, ये बात गलत है। आना निकलना, चल तेरी भैंस की। ओ भाई इतना सा दिख रहा था, वहीं से हेडशॉट मार दिया उसे। भाई साहब मैं तो यार ये सोच रहा था कि भाई यहाँ पर इतने सारे बंदे हैं, तो भाई अंकल पो के फ्लोर पे कितने बंदे होंगे। निकल तेरी भैंस की यहाँ से। अबे यार ये दूर से ना हेडशॉट मारने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओबे बे बे, ओबे यहाँ पे छुपा बैठा। अबे तेरी कैम कर रहा है भाई यहाँ पे भी, तेरी भैंस की टांग भाई, छुप छुप के मार रहे हैं भाई। ये गलत बात मत करो भाई, मेरे को ध्यान ही नहीं गया था कसम से, उधर की तरफ एकदम से निकल के आया, तेरी भैंस की निकल। ओ भाई वो तो फूट गया पीछे वाला बंदा, तो पता नहीं कैसे भाई अपने आप फूट गया। ओबे भाई क्या हेड पड़ा है, तेरी भैंस की निकल। अबे यार मेरे पे एमओ बहुत कम है पिस्टल की। अबे यार कोई अच्छी सी गन मिल जाती है ना तो मारने में आसानी हो। तेरी भैंस की निकल यहाँ से, तू लास्ट ट्राई कर, रुक मोटे तेरी टांडी फोड़ूंगा हेडशॉट, चल तेरी भैंस की। ओ भाई साहब, ओए भाई मोटे ने बैक फ्लिप मार दी भाई साहब, मजा आ गया भाई, क्या ही गोली पड़ी है टंटे पे इसके। लेट्स गो यार, फटाफट एलिवेटर में चलते हैं और अंकल पो के फ्लोर पर चलते हैं ऊपर, क्योंकि भाई यहाँ के तो सारे बंदे ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं, लेकिन ऊपर बहुत सारे बंदे होने वाले हैं, मेरे को पता है पहले से। लेकिन वेट भाई, लाइट कट गई, एक सेकेंड भाई कट गई है, उन लोगों ने काट दिया भाई जिससे हम लोग ऊपर ना पाए, लेकिन वेट हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर जल्दी जमकर भाई। तो भाई ये कौन पड़ा है, पुलिस वाला पड़ा है भाई, सिक्योरिटी गार्ड जिसने उन्होंने मार दिया, तेरी भैंस की निकल। अबे भाई साहब क्या चलाक बंदे हैं भाई, उन्होंने लाइट कट कर दी भाई साहब ताकि हम लोग देख ना पाए, इनकी घरों में तो भाई फ्लैश लाइट लगी हुई, तेरी भैंस की निकल। ऐ तू भी खा, चल हेड शॉट। ओ भाई साहब चलो, मैंने दो बंदों को तो हेड दे दिया, लेकिन और भी हैं क्या यहाँ पर। अबे भाई साहब तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं भाई, कितने सारे बंदे हैं भाई, ऐसा लग रहा है पूरा गैंग यहीं पर आ गया। लेट्स गो लेट्स गो यार, अंकल पो के रूम में जाना है अपने को जल्दी से, और देखना है अंकल पो ठीक है नहीं। लेकिन उससे पहले यार फटाफट एक कोई तगड़ी सी गन उठा लेता हूँ भाई, क्योंकि पिस्टल से तो अपने कुछ होने नहीं वाला, अगर और बंदे आएंगे तो अपनी बैंड बच जाएगी। तो अंकल पो का रूम ये सामने वाला ही ना आई थिंक, कोई बंदा तो नहीं, हाँ कोई नहीं है। चलो फटाफट अंकल पो पोए के रूम में चलते हैं। ओ भाई मेरे को लग नहीं रहा कि अंकल पो जिंदा होंगे, कि वेट ये कौन है। ओ ये अंकल पो का राइट हैंड है रिकी, और भाई ये तो यहाँ पर चुपचाप छुपा हुआ बैठा है, अंकल पो को डिफेंड कर रहा है। आई थिंक यार अंकल पो तो सेफ है क्योंकि ये यहाँ पर था, लेकिन भाई इन्होंने लाइट कट कर दिया, और रिकी कह रहा है कि अंकल पो जो है वो वेंटिलेटर पर हैं, हमें लाइट लेके आनी पड़ेगी कैसे भी करके, अदरवाइज अंकल पो मर जाएंगे। तो गाइस अपने पास सिर्फ 2.5 मिनट है भाई, अपने को इस 2.5 मिनट के अंदर फटाफट से कैसे भी करके लाइट लेके आनी पड़ेगी, वरना अंकल पो मर जाएंगे। भाई साहब यार कितने सारे बंदे हैं, इन्हें निपटाऊं या लाइट लाऊं समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन यार एक अच्छी चीज़ हो गई कि भाई इस फ्लोर पर एक इलेक्ट्रिक रूम है भाई, जहां से लाइट आने के चांसेस हैं, और मैं उस पर ही जा रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे इनका सिक्योरिटी सिस्टम फटाफट से हैक करना पड़ेगा। एक सेकंड यार, फ़ोन मैंने कनेक्ट कर लिया भाई, जल्दी से मैं हैक करता हूँ। HKPD का अपनी मतलब हांगकॉन्ग पुलिस डिपार्टमेंट का ऐप खुल चुका है, और अपने को 4 कोड डालने हैं भाई, रैंडमली कुछ भी कोड हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार। ओके वेट, ये जो येलो 9 है इसकी प्लेसमेंट गलत है, प्लेसमेंट चेंज करनी है, और ये 3 डिजिट गलत है, तो मैं एक सेकंड चेंज करता हूँ। एक काम करता हूँ यहाँ पर 4, ये अपना करता हूँ 3, और ये 1 या 2 देखो 1। तो गाइस 4 और 9 की प्लेसमेंट फिर गलत है भाई, 9 यहाँ पर आएगा आई थिंक, और ये करके देखता हूँ 8, और इसे 6 करके देखूँ क्या क्या कर रहे, 0। लेट्स गो यार, अपनी 3 डिजिट ठीक हो चुकी है, बस 1 डिजिट और चाहिए अपने को ठीक।
अबे यार क्या होगी इसकी, आई थिंक 6। ओ गाइज फाइनली एसेस ग्रांटेड हो चुका है, 4690 पासवर्ड था और भाई लाइट आई थिंक आ चुकी है। हाँ गाइज अब अपने को रिकी के पास जाना है और अंकल पो को डिफेंड करना है इन बंदों से। भाई कितने सारे बंदे आ गए हैं भाई, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मोटे तेरी भैंस किले, मुंह पे ही गोली खा दो तो निकल यहाँ से। भाई आखिरी बंदा बचाए थे इधर का, चल तेरी भैंस की निकल यहाँ से। ओए एक सेकंड भाई, और तो कोई नहीं है ना? हाँ कोई नहीं कोई नहीं। अब फटाफट अपन लोग रिकी के पास चलते हैं भाई। ओए रिकी है? ओए भाई डरा क्यों रहा है रिकी भाई, एकदम से बीच में से निकला भाई। यार कसम से ये तो हार्ट अटैक दे देगा मेरे को। ओ वेट भाई, सामने की तरफ से बहुत सारे बंदे आ रहे हैं भाई, ये लोग तो भाई खत्म ही नहीं हो रहे। तेरी भैंस की निकल मोटे यहाँ से। अबे अबे और भी आ गए भाई पीछे से, कितने आएंगे। तेरी भैंस की ले, तू भी खा तू भी खा। एक अकेला बचा है, अबे भाई खड़ा होकर क्या देख रहा है, बेवकूफों की तरह सीधा खड़ा हुआ है, ले गोली खा तू भी। तो गाइस ऑलमोस्ट आई थिंक सारे बंदे खत्म हो चुके हैं, अब अपने को अंकल पो के पास वापस जाना है और रिकी के पास। वेट यार गाइस, एक बहुत तगड़ा सीन हो गया है भाई, हमने सारे बंदे तो मार दिए लेकिन लाइट नहीं आने की वजह से अंकल पो की डेथ हो गई है और रिकी और अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि बंदे एक के बाद एक लगातार आते जा रहे हैं। और वेट भाई, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, सामने पुलिस आ गई। ओ भाई साहब इन्होंने हमें देख भी लिया। फटाफट भाई अपने को रिकी की कार में बैठ के यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा, वरना भाई अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा भाई। लेट्स गो। अबे भाई कहाँ आ रहा है बीच में, हटना साइड में। गाइस यार ये बिग स्माइली तो बहुत ज़्यादा डेंजरस निकला भाई, मैंने तो इसे बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया था, लेकिन नहीं भाई ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक गैंगस्टर है यार। इसने अंकल पो को मरवा दिया भाई सिर्फ चेयरमैन बनने की वजह से। गाइस यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, क्योंकि सबसे पहले विंस्टन पर अटैक हुआ वो मारा गया, फिर हम लोगों पर अटैक हुआ पर हम तो बच गए, लेकिन अब अंकल पो पर अटैक हुआ और भाई अंकल पो मारे गए। मतलब यार सब धीरे धीरे करके मर क्यों रहे हैं भाई, एंड में हमारा क्या होगा, हमें सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। और मेरे को लग रहा है भाई बिग स्माइली हमें भी मार देगा, लेकिन फिलहाल तो मेरे को यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा और रिकी के साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन यार मुझे ये नहीं लगता कि ये हमारी बात सुनेगा या मानेगा, क्योंकि भाई ये अंकल पो के ऑर्डर्स मानता था, हमारे क्यों ही मानेगा। और हम इससे कहेंगे कि इसके ही गैंग का एक रेड पोल का मेम्बर ही अंकल पो को मरवाना चाहता था, तो भाई ये कभी बिलीव नहीं करेगा मेरी बात पर। खैर अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हमने फाइनली पुलिस को एस्केप कर लिया है और अब मेरे को रिकी को भाई एक लोकेशन पर छोड़ना है, तो फटाफट चलते हैं और इसे उस लोकेशन पर ड्रॉप करते हैं। तो गाइस यार फाइनली मैं उस लोकेशन में पहुंच चुका हूं जहां पर मेरे को रिकी को ड्रॉप करना है, और भाई यहां से रिकी उतर कर चला जाएगा और ये कह रहा है कि तुम भी थोड़ा ध्यान से रहो और हम भी थोड़ा ध्यान से रहेंगे, और यार एक दूसरे से कनेक्टेड रहना क्योंकि भाई अंकल पो हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और अब ये भी करता आई थिंक। अरे वेट भाई ये कहाँ पहुँच गए सीधे हम लोग। आई थिंक यार अंकल पो की डेथ सेरेमनी में आए हम सब लोग, जैकी भी है मैं भी हूँ, और गाइज यहाँ पर मैं आपको कैसे बताऊँ, बिग स्माइल ली भी है भाई। मतलब यार कितना ही बेशरम इंसान है भाई, मर्डर भी खुद करता है और फिर डेथ सेरेमनी में भी आता है। वेट यार गाइज अपने पर यहाँ पर भी अटैक हो गया, तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। अबे भाई हम लोग अपने अंकल पो की डेथ सेरेमनी में आए थे और भाई यहाँ पर इतने सारे गैंग मेंबर आ चुके हैं भाई। अबे भाई कौन लोग हैं भाई, बिग स्माइली तो हमारे साथ ही था अभी, उसने ये कैसे करा? आई थिंक ये बिग स्माइल ली नहीं है, ये K-18 वाले बंदे हैं भाई जो रेड पोल के बहुत बड़े दुश्मन हैं, और भाई इन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया मौका हमें कहीं नहीं मिलेगा, इस टाइम ये लोग बहुत ज़्यादा वीक होंगे। लेकिन नहीं भाई हम लोग इन्हें नहीं छोड़ना, तेरी भैंस की रुक जा निकल यहाँ, तेरी भैंस की टांग। भाई जैकी वगैरह सब है अपने साथ पीछे, डरने की कोई बात नहीं है भाई, इन सब की तो मैं बैंड जाने वाला हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई। तुम्हारी भैंस की आओ ज़रा आ जा बेटे, चल तेरी भैंस की टांग। अबे भाई कितने सारे हैं, अबे भाई इन्होंने तो ये, अबे ये भी तोड़ दिया इन्होंने। अबे वेट 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 वेट, अबे मेरी एमओ खत्म हो गई गन में। अबे भाई गन ही नहीं है मुझ पे, तो मारूं कैसे इन्हें? अबे भाई कैसे मारूं? अच्छा हाँ एक सेकंड, मैंने यहाँ पर अभी बंदों को मारता उनमें से किसी की गन उठा लेता हूँ यार। अबे भाई ये क्या सीन है भाई, गन ही चली गई हाथ से, कैसे मारूं भाई इन बंदों को? वेट भाई अब तुम्हारे भाई का गन आ चुकी है, तुम्हारी भैंस की टांग रुको भाई, तुम्हारी टीक नहीं फूट। ओए अबे ग्रेनेड लॉन्चर भी लेके आ रखे हैं कि ये लोग भाई, बम वगैरह आ रहे हैं उड़ के। तेरी भैंस की टांग ले बेटे, तू खा गोली तू भी खा, चल बेटे तू भी खा। तीनों गए ना, ग्रेनेड लॉन्चर वाले को अभी देखता हूँ भाई, पहले इन सबको यहाँ लो निपटाता हूँ। तेरी भैंस की निकले। अबे भाई पूरा एम हिला दे रहा ग्रेनेड लॉन्चर वाला भाई। एक सेकंड नीचे की तरफ जाना है आई थिंक मेरे को, एडवांस डाउन द सीमेंट्री। एक सेकंड भाई, राइट साइड में फ्लैंक द ग्रेनेड लॉन्चर। अच्छा गाइस वेट, वो राइट साइड से ग्रेनेड फेंक रहा है, हमें इधर की साइड से चुपके से निकलना है और जाकर उस ग्रेनेड वाले का खोपड़ा फोड़ देना है। एक सेकंड कहाँ पर है भाई, अबे कहाँ से बम फेंक रहा है भाई, ये नदी वदी में कहाँ बैठा हुआ चुपके? तेरी भैंस की कहाँ, रुक जा तेरी भैंस की टंग ले खोपड़ भैया गंजे टकले, बस बहुत ग्रेनेड चला रहा था, तेरी भैंस की रुक जा, अब मैं चलाऊंगा ग्रेनेड, रुक जा तेरे टीम वाले मरूंगा। ओबे भाई तो उन्होंने मुझे देख लिया, तेरी भैंस की लो ग्रेनेड खाओ।
ओ भाई साहब क्या ही मारा, वो तो बढ़िया चिपक गए। लेकिन वेट, अबे जिंदा कैसे हैं ये? अबे भाई साहब क्या सीन, अबे कितनी टैक्टिक है ये भाई ये। ओए अबे वो उड़ गया, अबे उड़ गया भाई, वो रॉकेट बन गया कसम से, तेरी भैंस की निकल। अबे यार ये चीज़ तो बेकार है, कभी आगे जा रहा है भाई बम, कभी पीछे गिर जा रहा है। अबे भाई बड़ी टट्टी गाने कसम से बेकार है, इसे हटाओ भाई, मैं दूसरी गन उठा के लाता हूँ। गाइज यार यहाँ पर तो ऑलमोस्ट मैंने सारे बंदे क्लियर कर दिए हैं, लेकिन भाई ये लगातार भाई आते जा रहे हैं और बंदे, भाई समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहे हैं भाई। ओ भाई साहब कितनी सारी गाड़ी आ गए सामने, तेरी भैंस की टांग। रुक अबे यार मैं अकेला रह गया क्या, मेरे साथ वाला कोई भी नहीं है क्या? और भाई साहब एक सेकंड भाई एक सेकंड, तेरी भैंस की निकल, तू निकल, तू भी खाएगा, रुक जल्द। अबे भाई बसे भर भर के आ रहे हैं बंदे भाई, अबे क्या सीन है भाई, बिग स्माइली भाई क्या कर रहा है तू? और यार ये बिग स्माइली दिख भी नहीं रहा है भाई, मेरे को लग रहा है भाई अब तो K18 वाले नहीं है ये लोग, ये बिग स्माइली वाले, क्योंकि K18 वाले इतने पावरफुल नहीं है भाई। गाइस यार इतनी पावर सिर्फ और सिर्फ रेड पोल वाले बंदों के पास है। चल तेरी भैंस की टांग, खाया खोपड़े पे, आया मजा, तू आ बेटे आ निकल। आई थिंक यार अब दो तीन बंदे बचे हैं, उनके लिए मेरे को आगे ही जाना पड़ेगा, वो लोग छुप के बैठे हुए हैं। तुम्हारी भैंस की टांग, आ रहा हूँ बेटे, रुक जा, निकल यहाँ से गधे के बच्चे, हेड पे खाया, निकल के आजा बेटे, आजा आजा बाहर आना बेटे, पापा आए, चल तेरी भैंस की निकल यहाँ से, आजा तू भी। अबे पीछे से कहाँ मार रहा है बे, ये पीछे वाला बंदा बहुत देर छुपा बैठा है, एक सेकंड, अच्छे इस गाड़ी के पीछे है भाई, आ आ तू भी आ, निकल तू भी खा, तू भी प्रसाद ले, तू भी प्रसाद ले। तो गाइस खत्म हो गए ना सारे बंदे आई थिंक, नहीं 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 वेट, एक बंदा बचा है, आजा बेटे आजा आजा, चल तेरी भैंस की निकल यहाँ से। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे बंदे खाली कर दिए हैं, और गाइस यार ये है वो बंदा ब्लू शर्ट वाला बिग स्माइली, शक्ल से भाई किलर लगता है, कोई भी बता सकता है कि भाई ये सारे काम यही करवा रहा होगा। तो गाइस इन लोगों की कोई मीटिंग चल रही है, मैं फटाफट बात कर लेता हूँ इनसे। तो गाइस यार फाइनली मेरी बात हो चुकी है, और भाई मैं सीधा घर पर पहुंच गया था उस सीन के बाद, और मैं उठा हूं, और वेट यार कॉन्वॉय का मैसेज आया अभी कि भाई मिसेस चू के होटल पर किसी ने अटैक कर दिया है भाई। अबे यार क्या सीन हो रहा है, अंकल पो पर अटैक, अंकल पो की डेथ, अब फटाफट पहुंचा पड़ेगा मिसेस चू के लिए, लेट्स गो यार। गाइस यार फाइनली मैं मिसेस चू के होटल के पास पहुंच चुका हूं, मैं और विंस्टन के सारे दोस्त पुराने वाले, और भाई मिसेस चू के ऊपर अटैक कर दिया है K18 ने भाई। यार ये K18 नहीं है भाई, मेरे को 100% पता है ये लोग बिग स्माइली के बंदे हैं, क्योंकि भाई बिग स्माइली ने अभी कहा था कि अगर उसे चेयरमैन नहीं बनाएंगे, उन सबके सामने कहा था जो अभी हमारी बात हो रही थी, कि अगर उसे चेयरमैन नहीं बनाया तो रेड पोल के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा, इतना बुरा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और भाई सब कितने सारे बंदे आ चुके, तुम्हारी भैंस की टांग तुम्हें छोड़ूंगा नहीं भाई, मिसेस चू के होटल पर अटैक करोगे तुम्हारी भैंस की, ये सोच रहे कि विंस्टन तो मर गया है भाई, अब तो अपन इस एरिया को टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई वे अभी जिंदा, तेरी भैंस की निकल यहाँ से। और भाई साहब कितने सारे बंदे हैं, पर अपने को डरने की बात नहीं है भाई, अपना गैंग भी पूरा साथ में, कि बैंड बजा दूंगा, निकल यहाँ से, चल तेरी भैंस की, तू भी निकल मोटे, तू भी निकल बेटे। और गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे बंदे क्लियर कर दिए हैं, लेकिन वेट आई थिंक होटल के पीछे से ये बंदे आ रहे हैं, अब उस लोकेशन पे मेरे को जाना पड़ेगा। और भाई साहब ये कौन सी तगड़ी सी गन दे दी कॉन्वॉय ने हमें, भाई साहब ये तो देखी देखी सी लग रही है। अबे एक सेकंड यार, अबे ची भाई, अबे वही टट्टी गन है तो ग्रेनेड लॉन्चर भाई, अबे भाई क्यों दे दी, इससे अच्छा तो भाई नॉर्मल गन दे देता भाई, इनकी बैंड हो जाता मैं। तो गाइस हम लोगों को डिफेंड करना है भाई उस होटल को जिससे मिसेस चू जिंदा रहें, अगर मिसेस चू मर गई तो भाई हमारे पास कोई भी नहीं बचेगा अब, क्योंकि अंकल पो भी मर चुके हैं, विंस्टन भी मर चुका है, पैगी भी मर चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ मिसेस चू और भाई जैकी बचा है जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अब भाई इन दोनों को मैं किसी कीमत पर नहीं खो सकता, इसलिए मेरे को इस होटल को पूरा डिफेंड करना पड़ेगा। तुम्हारी भैंस की टांग, मेरे पे वैसे भी ज़्यादा एमो नहीं बची है, लेकिन यार ये लोग भी ज़्यादा बंदे नहीं बचे हैं, मतलब काफ़ी कम ही लग रहे हैं मेरे को भाई। अभी एक और गाड़ी आ गई, अबे भाई कितने बंदे हैं, तुम्हारी भैंस की टांग निकल यहाँ से ले। ओ भाई क्या ही ब्लास्ट दिया भाई, क्या ही ब्लास्ट, अबे तीन तीन बंदे उड़ गए भाई उसमें, तुम्हारी भैंस की कहाँ जा रहे हो, रुको बेटे तुम्हें जाने नहीं दूंगा, निकल यहाँ से तू तो। अबे भाई मारो यार, तुम लोग भी वो नीचे से फाइट ले रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है यार, क्योंकि इनका गैंग बहुत बड़ा है, हमारा गैंग बहुत ज़्यादा छोटा है यार। और गाइस अपने पास बस एक दो एमओ बची हैं, पता नहीं यार एमओ खत्म होने के बाद भाई क्या होने वाला है। लेकिन वेट, एमओ खत्म होने से पहले भाई एक कट सीन आ गया, अरे सही है भाई, अपन लोग बच गए, अपने एमओ खत्म हो जाती तो हमारी बैंड बच जाती, और अब क्या करना है हमको। आई थिंक यार हम लोगों ने सारे बंदे मार दिए हैं, अब हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, और पुलिस से हमें बच के निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो लेट्स गो यार, फटाफट यहाँ से चलते हैं। और भाई ओए पीछे ही आ गई भाई पुलिस, तो यार आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बेकार रहा है भाई, पहले अंकल को पर अटैक हुआ, फिर उनकी डेथ हो गई, फिर यार हम पर अटैक हुआ उनकी डेथ सेरेमनी में, और अब दोबारा से भाई फिर से मिसेस चू के ऊपर अटैक, और अब भाई पुलिस हमारे पीछे दोबारा पड़ चुकी है। फटाफट यार मेरे को यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा, क्योंकि यार आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मैं और नहीं करना चाहता भाई। अबे भाई पीछा छोड़ दो यार, क्यों पीछे पड़ गए हो भाई।
तो गाइज यार फाइनली मैंने पुलिस से पीछे तो छुड़ा लिया भाई, बहुत पीछे भागी, आखिरकार एंड में हार मान के रुकी गई। लेकिन यार मेरे पे अभी जैकी का मैसेज आया, वो कह रहा है कि वो मुझको दिखाना चाहता है और वो किसी परेशानी में भी है, मतलब प्रॉब्लम में है। तो मैं फटाफट जैकी के पास पहुँच रहा हूँ, लेट्स गो। गाइज यार फाइनली मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ जैकी ने मेरे को बुलाया था, लेकिन भाई फ़ोन बज रहा है उसका लेकिन वो दिख नहीं रहा कहीं आसपास। अबे कहाँ गया भाई जैकी? अबे भाई इसकी फ़ोन की तो आवाज़ आ रही है लेकिन ये नहीं दिख रहा कहीं पर मेरे को। अरे एक सेकंड, क्या? ओ वेट, भाई साहब इसका तो पूरा पेट वगैरह कटा हुआ है भाई, ये क्या सीन है भाई, ये किसने कर दिया भाई इसके साथ? अबे भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, आज हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। वेट यार भाई ये तो आई थिंक मर चुका है। और वेट भाई, वे के सर पे किसी ने मारा कुछ, पिस्टल वगैरह मारी और वे बेहोश हो गया भाई। और वेट यार अपना वे पकड़ा जा चुका है। और भाई ये आई थिंक बिग स्माइल लिखा कोई बंदा जिसका नाम है मिस्टर टॉम। तो गाइस यार वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।